তো যা তো গুনিও আচ্ছা কম নিকলনে 49 কিলো ছি আমি তো রাখো মে 50 কোনে হ্যাঁ गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे सुबह के चाय पीने से हो रही है और यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है क्या ही बताऊँ। 3 दिन हो गए लगातार बारिश है हमारे यहाँ, तो लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं है। मेरी वीडियो तो क्या एडिट करूँ, जब तक कैमरा है वीडियो बनाते रहती हूँ, फिर पीछे पीछे हो जाएगी, तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। अभी भी बारिश हो रखी है, आग ला के गर्म पानी रख के आ गई और ये देखो कपड़ों में छीटे भीग के आई हूँ। वो अभी भी बारिश ऐसे आ रखी है, पूरा मौसम देख सकते हो, उधर साइड को तो कोहरा है, सारी जगह बादल, आसमान में बादल है और बारिश हो रही है। तो कल मैं पेपर से भीग भीग के गए थे, तो जुखाम लग गया है मेरे को, जुखाम से इतना अजीब हो रहा है ना, मन में नहीं, यहाँ से नाक में। तो अभी मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है, साफ़ सफाई करनी है। उधर आज उस वाली किचन में आग जलाई है जिसमें पानी गिरता है, फिर मम्मी को जाना पड़ेगा दूध पहुँचाने, चाय मैंने पी ली है। इस तरह से हो रखा है आज का मौसम और बारिश से ऐसे हाल हो रखे है पूरे, फिर भी आपके पास बैठना नहीं छोड़ेंगे हम। अभी तो इधर जलाई है और शाम रात को हम इस वाले किचन में जलाते हैं आग। दोस्तों दोनों के दोनों फोन हो रखे हैं स्विच ऑफ, बस लाइट के इंतजार में है, लाइट आती है या नहीं आती है कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ऐसा ही हो रहा है हमेशा। आज के दिन के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है निर्मला नेगी, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, मैं आई हूँ बाहर, साफ सफाई हो गई है, कल मैंने सारे कपड़े निकाले थे उनको, अभी तक मैंने कपड़ों की दुकान खोली थी, अभी अभी सब समेटे। और खेतों का हाल दिखा दूँ तो ये देख सकते हो धनिया जो एकदम खड़ा हमारे मेरी मम्मी की हाइट से भी ज़्यादा लंबा हो रखा था, पूरी बारिश की वजह से ऐसे तीरसा तीरसा हो गया पूरा, देख सकते हो। धनिया की खेती के नुकसान होने वाला है, और जो भी खेती है कई लोगों के खेतों में गेहूँ वगैरह काटे नहीं है तो उनके नुकसान हो रहे हैं। और ये हमारा फ्लावर है, बकरी ने पूरा खा दिया है। तो हमारा गैस हो रखा है ख़त्म, तो यहाँ पर चाय हाई बनाने की भी बड़ी दिक्कत आ रही है। एक बार तो चाय बना दी, दोबारा अभी कॉफ़ी बना रही हूँ, उमलने लग गई मेरी चाय। ऐसे कीचड़ हो रखा है लेकिन अंदर धुआं लग जाता है, इसलिए अंदर आग नहीं जला रहे, यहीं पर जला रहे हैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं कॉफ़ी इस तरीके से गैस में, तो आप डाल देती हूँ कॉफ़ी क्योंकि दूध उमल गया है, तो गैस की आँच कम नहीं कर सकते हैं, गैस होता तो आँच कम कर दे, यहाँ लकड़ियों को पीछे करके आग की आँच को कम किया जाए। तो यहाँ पर आग में खेले में ऐसे बैठी हुई देखो, और आग भी सेक रही और इधर साइड पूरा बारिश भी आ रहा है, ऊपर से पानी भी टपक रहा है, लेकिन काम चलाओ के लिए यहीं पर सही है। आओ कॉफी को हिलाया नहीं, क्या रंग हो गया यार। चलो यहाँ पर ये फ्रेबिन क्या बराबर नहीं था ये चुलान, तो यहाँ पत्थर अटका के इसको अटकाना पड़ रहा है, तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है करके दे देखो, हमने तख्ते ऐसे जाने के लिए इससे जाएंगे ऐसे और फिर मारेंगे यहाँ पर, पूरी इस प्रकार से हो रखा है। दोस्तों अभी मैं पीने लगी हूँ कॉफ़ी, लेकिन मेरे को कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जुखाम लग गया है। मम्मी को कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती है, तो मम्मी के लिए बनाई है चाय, अभी हवा चलने लग गई और दूध पहुँचाने के लिए आज लेट हो गई, तो आज दोनों के दोनों मम्मी बेटी जा रहे हैं, माँ बेटी। दोस्तों अभी मैं चली गई हूँ दूध पहुँचाने के लिए, मम्मी तो चली गई आगे आगे, उधर पहुँच गई होगी दूध दूध ले जाके, मम्मी गई हैं और मैं मम्मी का फ़ोन लेके गई हूँ क्योंकि मम्मी के फ़ोन में भी चार्ज है नहीं, तो देखते हैं क्या कहते हैं, मम्मी के फ़ोन में वहाँ चार्ज हो जाता तो किसी के यहाँ अपना फ़ोन तो ले नहीं गई। तो ये हो रखा है मौसम, पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर से सामने रुदमाली में, मौसम ऐसा हो रहा है, मेरा खाली हाथ जाना किसी को पसंद नहीं है। तो अभी भाभी ने अपना दूध का डिब्बा दे दिया है, मेरा भी ले जा दो बल, मेरे को ठंडा हो रहा है, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है घर से निकलने का मन हमें भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब ड्यूटी हुई तो जाना पड़ता है।
ऊपर देवदार के जंगलों में तो कोहरा लगा है। तो मौसम हो गया खराब और ये कालू भिक्की देखो ऐसा हो रखा है, यहाँ दूध वाले आ रखे हैं और दूध ले जाती है। तो जाए तो गुन्नी हो उन 50 किलो थी ओ मैं तो रखूं मैं 50 कुने है ओए तो रोम ला देला हम उन के कम बनाई दिया से या जब से इधर रोम ला दे ए वो दिन में क्यों तो थे तो ये है। अभी मैं जा रही हूं झड़पत्ते की ओर, फिर मिलती हूं। कैमरा यहीं रख के आती हूं क्योंकि बारिश आ रही है। दोस्तों दूध पहुंचाने से मैं आ चुकी हूं, बारिश तो क्या ही हो रही है, भीग भी गई हूँ मैं पूरी। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी बारिश। तो जल्दी आई। अभी यहाँ पर मैं मशीन साफ़ करनी है। मम्मी का फ़ोन तो यहीं इन्वर्टर में चार्ज कर रही हूँ, अपना फ़ोन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन्वर्टर अगर बंद हो जाएगा तो दूध की मशीन दूध तोलना बंद कर देगी। तो अब मुझे यहाँ पर साफ सफाई करनी है। देख सकते हो ये बैटरी है, बैटरी में पूरी तरह ये जंग लग गया है, तो मुझे अब इसको साफ़ करना है। ये देखो इन बैटरी के टर्मिनल को साफ करना है। मम्मी का फोन यहाँ पर चार्ज लगा रखा है। तो निर्णानी की ब्लॉग को सारे काम करने पड़ते हैं, मैकेनिक के साथ साथ घर के काम के साथ साथ पढ़ाई, मैकेनिक सब कुछ। अब मैं इस बैटरी के टर्मिनल को पूरा साफ करके फिर मिलती हूँ आपको। और तब तक मेरा कैमरा भी ऑफ होने वाला है, कैमरा का टाइप सी है तो ये भी गीला हो रखा है आज। और दोस्तों ये देख सकते हो बैटरी हमारी पूरी चमक गई है, पूरे टर्मिनल मैंने साफ कर दिए इसके। अब इसमें थोड़ा पानी कम पड़ गया था, अब इसके में पानी चेक करना है कितना है कितना नहीं है। तो ये है मेरा मैकेनिक का काम और ये हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ दूध पहुँचा के। अभी भी बारिश लगी है, छाता आज भी भूल आई क्योंकि उस टाइम बारिश नहीं लगी थी, लेकिन आज भी पूरी भीग गई हूँ। ये देखो जैसे शॉपिंग करके आता है वैसे तो मेरे हाथ में थैले हो रखे हैं। तो मौसम तो का ही हो रहा है, बारिश। तो अब मिलते हैं फिर घर जाके, और तो चलते हैं और घर जाके मिलते हैं रिमझिम बारिश में। रिमझिम बारिश में निर्मला नेगी ब्लॉग काम करते हुए। दोस्तों निर्मला नेगी ब्लॉग घर पहुंचने से पहले फिर से खाने लग गई है फल। यहाँ पर बड़े बड़े दाने हो रखे हैं, कोई हो रहे हैं घर वहाँ पर है। और मैं खाती हूँ बारिश के मौसम में काफल, थोड़ा फल खा लेते हैं। बारिश वाले काफल ना बड़े टेस्टी होते हैं। बरसात के टाइम में चाहिए चाय या सूप। अभी मैं लेके आ गई हूँ भरा गिलास, इतना बड़ा गिलास में सूप बना लिया है। सूप पीते हैं सर्दी के टाइम में, और जुखाम हो रखा है
अब दिन भर शायद बारिश ही लगने वाली है। चलो फिर इतने बड़े गिलास में सूप पीते हैं। फिर अभी लाइट आ गई है, अभी आई जस्ट, क्या पता। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, उसके बाद मैं रेस्ट बना रही थी, बस सो गई थी और बुखार आ गया। कल बारिश में भीग के पेपर देने गई थी तो बुखार आ गया मेरा, अब उठने की हालत नहीं है। शाम का खाना पीना बनाया है और न दिन में से कुछ खाया है, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। कल भी भीगी थी, सुबह भी भीगी थी और ठंडा लग गया है। मौसम भी ऐसा हो रहा है, अभी भी ऐसा ही मौसम है, देख सकते हो सब जगह कपड़े कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि कपड़े हो गए हैं सारे गीले। अभी थोड़ी बारिश रुकी है, आज गाय वगैरह भी नहीं खोली तो बिल्कुल ताकत नहीं है। दोस्तों आज दूसरे दिन के शाम के 5:30 हो चुके हैं। आज दिन भर मैं जानूँ और मेरा बिस्तर जाने, कल से बुखार से ऐसे हालत ख़राब हो रखी है, अब तो दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से अभी उठी हूँ सुबह से, कल शाम सो गई थी 8 बजे, उसके बाद मैं जानूँ मेरा बिस्तर जाने, ऐसी हालत हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पूरे 1.5 साल बाद ऐसा बुखार आ रखा है। और आज तो मौसम तो ठीक है, आज बारिश तो नहीं आई है, लेकिन वैसे धूप भी नहीं आई तो बारिश भी नहीं आई है आज। और आज लाइट है तो कल शाम से लाइट आ गई थी। वीडियो एडिट तो की नहीं, क्योंकि अब वीडियो एडिट करूँगी तो उसके लिए फ़ोन में एडिट करने की ताकत भी नहीं है मुझे। तो फिर मिलती हूँ कल को। अब मेरे व्लॉग लेट ही आएंगे, क्योंकि मैं तो ना ऐसी हालत में वीडियो एडिट भी नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ोन में देखने से भी चक्कर आ रहा है, ताकत ही नहीं है फ़ोन देखने के लिए भी। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और दवाई खा रही हूँ सुबह शाम, तो दवाई से भी कुछ नहीं हो रहा। अगर पैरासिटामोल खा रही हूँ अभी, तो अगर ठीक नहीं होगा तो कल को मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो अब और घुसती हूँ मैं बिस्तर के अंदर ठंडा। दोस्तों आज मेरा व्लॉग का 3रा दिन है। कल से थोड़ी तबीयत तो ठीक है, क्योंकि दवाई खाने में थी मैं। अभी तो जोर शोर वाली बारिश आई थी मुझसे ज़्यादा, लेकिन बारिश के बाद मौसम हो गया है बिल्कुल सुहाना वाला मौसम, देख सकते हो बादल ऐसे लगे हैं। मम्मी खेत में काम कर रही है, मुझे दिया है खाना बनाने की ड्यूटी। तो बारिश से आज भी थोड़ा भीग गई थी मैं, लेकिन अब मुझे बारिश से परहेज करना है। और जुकाम जैसा लग गया है, और मतलब तबीयत जो बुखार था मेरे को, बुखार से तो ठीक हूँ लेकिन चेहरा बहुत सुस्त हो गया मेरा। तो आज मेरा अंदर वाले कमरे में बन रहा है खाना, तो पहले वहाँ बनाते थे, लेकिन कल से हम यहीं पर बना रहे हैं। लेकिन अभी दाल बन रही है, उसके बाद फिर मम्मी बनाएगी चावल। तो अंदर वाले कमरे में खाना बनाने में सही रहता है वैसे, जब बारिश ना आए तो यहीं पर सही रह रहा है, कल से यहीं बना रहे। लेकिन आज सुबह उधर बना रहे थे, बारिश आई अचानक, तो फिर यहाँ 2 चूल्हे यहाँ भी है बाहर भी, लेकिन बाहर इतना है कि खुला खुला है, अंदर है तो अंदर इतना ज़्यादा सामान है तो धुएं से काला पड़ जाता है। तो अपना आज का ये वाला 3 दिन का व्लॉग आज ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा बुखार भी सही हो गया है थोड़ा बहुत। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ ऐसे अगले नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। उतनी अच्छी तरह तो थोड़ी बहुत ठीक हो रखी हूँ, शरीर हो गया पूरा सुस्त। और फिर मिलूंगी मैं अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।